तो आप सभी को पता है कि इंस्टाग्राम के अंदर एक न्यू फीचर आया है जिसका नाम है रील्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रील्स के द्वारा अपने मोबाइल के अंदर के जो वीडियो है उसको कैसे उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने गैलरी के जो वीडियो है उसको रील्स के अंदर कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यदि आपने इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने वाले दोस्तों आपको इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने बस तो अब यहाँ पे आपको जो रील्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो रील्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने बस तो अब यहाँ पे आप अपनी जो गैलरी है उसके अंदर से कोई वीडियो लेना चाहते हैं, उसके अंदर का जो वीडियो है वो रील्स के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं गैलरी जैसा आइकन दिया हुआ है जहाँ पे आपको प्लस जैसा दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी जो गैलरी है उसके अंदर से वीडियो ले सकते हैं। तो लेने के लिए दोस्तों आपको जो भी वीडियो यहाँ पे पसंद आता है वो वीडियो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो मैं लेना चाहता हूँ तो ये लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अपलोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं, पर इससे पहले दोस्तों आप इसके अंदर कुछ इफेक्ट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, आप अपना जो म्यूजिक को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो अपलोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद जो ये एरो दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों वापस यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई यहाँ पे इमोजी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी टैग वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यदि आप इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो शेयर का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे पोस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्रोफाइल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो पेज है इसको इस प्रकार से रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो रील्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर जाके भी आपको इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश करना है। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपने वीडियो पोस्ट किया है उसको यहाँ से आप देख सकते हैं, और साथ में यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड या सेव भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।